लैंडमाइंस किसी भी आर्मी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जमीन के अंदर होने के कारण इन वेपन्स को डिटेक्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इन्हें रास्ते से हटाने के लिए कई तरह के टैंक्स और दूसरे हार्डवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यूएसए की आर्मी और मरीन्स इस तरह के M1150 असोल्ट ब्रीच व्हीकल्स का इस्तेमाल करती है। ये बेसिकली अब्राम टैंक्स होते हैं जिन पर माइंस को क्लियर करने के लिए स्पेशल मॉडिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहले ये टैंक डायनामाइट से भरी इस तरह की रस्सी को लॉन्च करते हैं, उसके बाद में उसे डेटोनेट कर दिया जाता है और उसके बाद ये टैंक प्लाउ करके आगे बढ़ता है। इस 72 टन के टैंक की मदद से 140 मीटर तक के रास्ते को एक ही बार में क्लियर किया जा सकता है, जिसे नॉर्मली क्लियर करने में कहीं हफ्ते भी लग सकते थे।